जब नरेंद्र भाई को एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया उस वक्त उन्होंने भाषण में कई बातें रखी थी, मगर आज मैं इनमें से दो ही बातों का जिक्र करना चाहता हूं। इन्होंने कहा था कि जो सरकार बनने जा रही है भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार, वो सरकार देश के गरीबों को, देश के दलितों को, देश के आदिवासियों को, देश के पिछड़ों को, किसानों को और गांव को समर्पित सरकार होगी। दूसरा उन्होंने कहा था कि मैं देश की जनता को भरोसा देना चाहता हूं कि हम दुनिया में देश के गौरव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, दुनिया में देश के गौरव को ऊपर ले जाने का काम करेंगे। और चार साल के बाद जब पीछे मुड़ कर देखते हैं तो नरेंद्र मोदी जी अपने इन दोनों वादों पर खड़े उतरे हैं। बीते चार सालों में तारीखें तो बदली पर देश का वक्त पिछड़ता गया। बीते चार सालों में केवल देश को मिला झोले भरकर झूठ और जुमलों से भरी लूट। मोदी सरकार के चार सालों को चार शब्दों में बताया जा सकता है, प्रपंच, प्रचार, प्रतिशोध और झूठ, यानी विश्वासघात, विश्वासघात, विश्वासघात। राजनीति 65-60 के दशक से, लेट 60 के दशक से परिवारवाद, एपीसमेंट और जातिवाद के नासूरों से ग्रसित थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने परिवारवाद, तुष्टिकरण और जातिवाद की राजनीति को बदलकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी सरकार का यह बहुत बड़ा योगदान है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा। इनकी हर बात में झूठ छिपा है, असत्य बोलते हैं, झूठे आंकड़े देते हैं, गुमराह करते लोगों को। आज मैंने पढ़ा 18,000 गांवों को 70 साल से वो अंधेरे में रह रहे थे, मैंने उजाला पहुंचा दिया। इनको पूछो 6 लाख गांव है देश के अंदर, 6 लाख गांव करीब, 18,000 में आपने पहुंचा दिया तो 5,82,000 में किस गांव में रोशनी किसने पहुंचाई?